और गुनाहों की वजह से बंदे की उम्र कम हो जाती है। हदीस बात में आते हैं जो शख्स जिना का मुर्तकिब होता है अल्लाह ताला उसकी उम्र को घटा देते हैं। अब उम्र घटाने की दो बातें लिखी हैं उलमा ने, एक तो यह कि फिजिकली उम्र घट जाती है, अल्लाह ताला 100 साल की बजाय उसको 70 साल की उम्र के ले आते हैं, उम्र की यानी घटा दी गई। और एक उलमा ने इसका तर्जमा यह किया कि इंसान की इफेक्टिव उम्र घटा दी जाती है। क्या मतलब कि 25 साल का नौजवान और आंखों के आगे उठते हुए अंधेरा आ जाता है, जवानी में बूढ़ापा आ गया, वो जो फाल जिंदगी थी उसको घटा के इसको बीमारियों का मजमुआ बना दिया जाता है। आजकल तो एक 16 साल का लड़का मेरे पास आया, हजरत लो बैग की पेन है, मुझसे चला नहीं जाता। 16 साल की उम्र और इसमें लो बैग की पेन, कोई जोड़ बनता है? ऐसे लगता है कि बेचारे बच्चे थे और बचपन के बाद बुढ़ापा आ गया, जवानी इन्होंने कभी देखी ही नहीं है। ये गुनाहों का बवाल होता है। और गुनाहों का एक और बवाल क्या है कि गुनाह करने वाले को दुश्मनान खुदा के साथ मुशाबहत मिलती है, अल्लाह के दुश्मनों से मुशाबहत हो गई। और गुनाह करने वाले के लिए हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह ताला की मखलूक ऐसे बंदे के लिए लानत बरसा रही होती, फरिश्ते बददुआ कर रही होती हैं और अल्लाह ताला शैतान को उनके ऊपर मुसल्लत फरमा देते हैं। अल्लाह